हेलो फ्रेंड्स, विदिशास इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गट्टे पुलाव। तो आइए देख लेते हैं गट्टे पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमने गट्टा तैयार कर लिया था पहले से ही, तो इसको इस तरह से काट लें गट्टा बनाकर, और इसे हम फ्राई करेंगे। स्वाद अनुसार नमक लिए हैं, और तड़के के लिए लिया है करी पत्ता, 4 हरी इलायची, 10 से 12 गोल मिर्च, और 1 मुट्ठी काजू लिए हैं, और 4 प्याज हमने बारीक, हरी मिर्च और 8 लहसुन की कलियां चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लिया है। सरसों का ऑयल लिया है, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम फ्राई कर लेते हैं गट्टे को। तो हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया था, तो गर्म हो गया है, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम गट्टा अपना फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो देखिए हमने गट्टे को फ्राई कर लिया है, तेल हमारा जितना चाहिए उतना है, तो हमने निकाला नहीं। अब इसमें हम लगाते हैं तड़का। इसके बाद काजू डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। तो देखिए हमारा प्याज भून गया है अच्छे से। अब इसमें हम डाल देते हैं गट्टा। आप अगर दही डालकर गट्टा बना रहे हैं तो ऐसे ही ऑलरेडी सॉफ्ट रहता है फ्राई करने के बाद भी। अगर दही नहीं यूज कर रहे हैं गट्टे में, तो आप थोड़ा सा इसी प्याज भूनते समय डाल दीजिए, और थोड़ा सा पानी डालकर इसे भून लीजिए, सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी, 1/2 टीस्पून, और तीखा अपने हिसाब से डाल लें जितना आपको पसंद है। हमने इसमें 1.5 चम्मच लगभग मिर्ची पाउडर डाली है। अब इसे मिला लेते हैं हम। और स्वाद अनुसार नमक भी डाल लीजिए। थोड़ा सा हम पानी ऐड कर रहे हैं, दो चम्मच के लगभग। देखिए जो हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाले थे वो मिल गया है अच्छे से, मिक्स हो गया है। आप अगर चाहें तो इसमें कोई इच्छा अनुसार सब्जी भी डाल सकते हैं। हमने सिर्फ गट्टा ही डाला है। आप चाहें तो काजू किशमिश भी, हम काजू यूज किए हैं, और फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। अब इसमें हम चावल डालेंगे। चावल हमने बनाकर पहले से ही रख लिया था, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और आसानी से बन जाती है, क्योंकि इसमें था ये नहीं है जहाँ चावल को तुरंत बनाना है। देखिए हमने चावल, तो देखिए डाल दिया है चावल हमारा, डाल दिया है।
रेडी हो गया है। ये गट्टापुला बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही जल्दी खाने में बहुत यम्मी लगता है, खाने में देखिए देखने में बहुत यम्मी लग रहा है। एक बार जरूर बनाकर खाएं और हमें जरूर बनाकर कमेंट करके बताएं हमें कैसा लगा, आप हमें हमारे बताएं तो कैसा लगा रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में बिल्कुल ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे हम, तब तक।